सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, बच्चा पढ़ने से, संस्कार देने से, सिखाने से ही संस्कारवान होता है क्या, कि और भी कोई मार्ग है? हमारे शास्त्रों में सबसे उत्तम मार्ग और श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है गर्भाधान संस्कार। षोड़श संस्कार के अंदर, 16 संस्कारों के अंतर्गत आता है गर्भाधान संस्कार। ये गर्भाधान संस्कार क्या है? माताओं में, स्त्रियों में रजो धर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, आपकी विषय वस्तु बता रहा हूं। तो जो रजो धर्म होता है, उस रात्रि से, प्रथम रात्रि से गिने, प्रथम रात्रि से लेकर के 4 रात्रियों को त्याग देना चाहिए गर्भाधान के लिए। यदि इन रात्रियों में कदाचित गर्भाधान हुआ तो चाहे आप किसी गुरुकुल में पढ़ा लीजिए, बच्चा दुष्ट ही होगा, पापी ही होगा, दुरात्मा ही होगा। चाहे किसी भी कुल में जन्म ले ले, कितने भी अच्छे स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ा दीजिए, चाहे कितना भी सिखा दीजिए, बच्चा दुरात्मा ही होगा। उस समय स्त्री का रज दूषित होता है, उस समय गर्भाधान नहीं होना चाहिए। प्रथम 4 रात्रियों को त्याग देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी संत पुत्र का, श्रेष्ठ धर्मात्मा पुत्र का जन्म हो, गर्भाधान रजो धर्म की रात्रि से लेकर के 16 रात्रि पर्यंत ही होता है। यदि संयोग से 16वीं रात्रि और 14वीं रात्रि और 12वीं रात्रि मिल जाए, आत्मा और श्रेष्ठ पुत्र होगा ही होगा। लेकिन यह महापुरुषों को ही प्राप्त होती, हर जीव को कलयुग में प्रायः सप्ताह भीतर ही गर्भ ठहर पाता है। विषम रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या रत्न की प्राप्ति होती है और सम रात्रियों में गर्भाधान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। शास्त्रोक्त वचन है, सम रात्रियों में गर्भाधान करने से पुत्र प्राप्त होता है और विषम रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या की प्राप्ति होती है। तीसरी एक विलक्षण बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि इस नक्षत्र में बालक का जन्म हो, तो जिस नक्षत्र में गर्भाधान होगा उसी नक्षत्र में बालक का जन्म होगा। यह ज्योतिष है।